सेंट्रल उतना मजबूत नहीं था माली तौर पर, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बहुत बड़ा काम अभी किया मस्जिद का, और अहमदाबाद बिल्कुल शहर के बीच में जमीन लेना ये बहुत मुश्किल काम था। शेखुल इस्लाम की पूरी जिंदगी गुजरात में गई है, यूपी को छोड़ दिया उन्होंने अपने वतन को, हम लोगों को छोड़ा उन्होंने आपके पास आए, और उसके बावजूद एक शानदार मरकज होना चाहिए था शेखुल इस्लाम का, वो नहीं बन सका। सिर्फ यही होगा वीर हमारे नूर वाले, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। अब सुनने में अच्छा नहीं लगता है नारा, जब हजरत शेखुल इस्लाम जैसी हस्ती हमारे सामने, वो हस्ती कि दुनिया की किसी तंजीम, दावे के साथ कहता हूँ इस वक्त, किसी तंजीम किसी सिलसिले के पास ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं। जितनी भी खानकाहें हैं, जितने भी मदारिस हैं, जितने भी दारुल इफ्ता हैं, जितनी भी तंजीमें चल रही हैं, सबके सरबराहों को खड़ा कर दो, सारे मुफ्तियों को ले आओ, सारे सादाते किराम को ले आओ, बताओ शेखुल इस्लाम जैसा कुछ होगा? क्यों ऐसा सो रहे हो आप? क्यों नहीं जोड़ते आप अपने अपने इलाके के अशरफियों को? ऐसे ऐसे सुन्नी है जो फिदा है, शेखुल इस्लाम के मुरीद नहीं है मगर फिदा है शेखुल इस्लाम, क्योंकि कभी अशरफियत की बात नहीं की, सुन्नियत की बात की उन्होंने, मगर आप कम से कम उनके गुलामों को तो झंझोड़े।